तेरी यादों से दूरी बेहतर है करती जीना ये मुश्किल। If your wrists get tired, then take off your clothes. Feel like I'm always fighting to keep your love. सो गाइस, सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है mockupbro.com। तो यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। तो इस वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। तो आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली इस अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है। देन गाइज, आप जिस इमेज पर स्टेटस कर रहे हो उस इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट करके डन कर दें। देन गाइज, यहाँ पर आपको क्रॉप करने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप इधर से क्रॉप भी कर सकते हो सिंपली। तो मैं सिंपली कुछ इतना रख लेता हूँ। देन यहाँ पर क्रॉप एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसे आपको डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका ये फ़ोटो आपके मोबाइल पर सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। और अगर फ्रेंड्स आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तब आप हाउ टू डाउनलोड वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। तो यहाँ पर उसके बाद आपको इस प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, 1:1 रेशियो को चूज़ करना है और यहाँ पर इस सेटिंग का ऑप्शन पर जाना है, इस एडिटिंग का ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको फिल स्क्रीन पर क्लिक करना है। देन गाइज, आप जो इमेज वहाँ पर इंपोर्ट किए थे उनमें से उस इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। देन गाइज, उसका उस पर क्लिक करना है और जितना दूर आप स्टेटस करना चाहते हो उसका टाइम को करना है और यहाँ पर वीनियट को जरूर एनेबल करना है। सो गाइज, उसके बाद आपको इस फोटो पर टैप करना है और यहाँ पर पैन एंड जूम को ऑप्शन पर जाना है और आपको कुछ इधर का ऊपर का पार्ट को मतलब थोड़ा डाउन करना है इमेज को। देन गाइज, आपको इस इक्वल को ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको इस लेयर को ऑप्शन पर जाना है, इस इफेक्ट को ऑप्शन पर, और यहाँ पर सबसे बेसिक इफेक्ट और सबसे पहला वाला इफेक्ट को आपको चूज़ करना है। देन गाइज, आपको इसे एंड टाइम तक करना है और इसका सेटिंग को फुल करना है और इस सेटिंग को ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको इसे 14 तक कर लेना है। सो गाइज, उसके बाद आपको इस लेयर को ऑप्शन पर जाना है और इस मीडिया को ऑप्शन पर, और जो आप इमेज डाउनलोड किए उस वेबसाइट से उस इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो उस इमेज को इंपोर्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको कुछ इसे ऐसे करके फिट करना है लाइक दिस, और उसके बाद आपको इसे एंड टाइम तक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको इस लेयर का ऑप्शन पर जाना है, इस मीडिया का ऑप्शन पर और इस बैकग्राउंड का ऑप्शन पर, और इसे इंपोर्ट करना है ब्लैक कलर का बैकग्राउंड। देन गाइस, आपको कुछ इसे फुल करना है ऐसे, और यहाँ पर उसके बाद आपको क्रॉपिंग पर जाना है और इधर का पार्ट को आपको क्रॉप करना है। तो इधर का पार्ट को क्रॉप करने के बाद फ्रेंड्स, आपको इधर का पार्ट को कुछ ऐसे क्रॉप करना है। देन गाइस, आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सही से देखना है ये सही है ना नहीं। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करके एंड टाइम तक करना है और इस 3 डॉट पर क्लिक करना है और इसे आपको सेंड टू बैक करना है। सो गाइज, उसके बाद आपको फिर से क्रॉप का ऑप्शन पर जाना है और इधर का पार्ट को और आपको क्रॉप करना है लाइक दिस। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर सही से इसे क्रॉप कर लें। तो यहाँ पर मैं सिंपली सही से इसे क्रॉप कर लेता हूँ। सो गाइज, उसके बाद आपको इस लेयर का ऑप्शन पर जाना है और इस मीडिया का ऑप्शन पर, और इस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। तो इस फायर वीडियो को आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। सो गाइज, इसे इंपोर्ट करने के बाद आपको इस ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक करना है। देन गाइज, आपको इस फायर वीडियो पर फिर से टैप करना है और इसे आपको कुछ छोटा करना है और इसे आपको कुछ ऐसे करके रोटेट करना है और इस रोज़ के ऊपर आपको इसे सही से इंपोर्ट करना है और इसे आपको थोड़ा स्लाइड करके प्ले करके देख लेना है कि यार रोज़ सही से एडजस्ट हुआ है ना नहीं, वरना आप थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ थोड़ा ले सकते हैं। सो गाइज, उसके बाद आपको फिर से इस लेयर का ऑप्शन पर जाना है और इस मीडिया का ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको वो लिरिक्स को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। सो गाइस, इसे इंपोर्ट करने के बाद क्या करना है, आपको कुछ स्लाइड करना है और यहाँ पर आपको इसे कुछ छोटा करना है और कुछ ऐसे करके सही से थोड़ा सा और बड़ा करना है और यहाँ पर रखना है और इस ब्लेंडिंग को ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको इस स्क्रीन को ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन गाइस, आपको फिर से इसे थोड़ा छोटा करके यहाँ पर सही से एडजस्ट करना है। देन गाइस, आपको क्या करना है, उसके बाद इसका स्टार्टिंग टाइम थोड़ा सा कट करना है, देन इसे होल्ड करके स्टार्टिंग टाइम तक ला देना है। सो गाइज, उसके बाद आपको इस लेयर का ऑप्शन पर जाना है और इस मीडिया का ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको इस बॉर्डर को इंपोर्ट करना है। तो इसे इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसे फिट करना है और इस ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको इस ओवरले पे क्लिक करना है। और अगर फ्रेंड्स आपको लोगो रहता है तो अच्छी बात, वरना यहाँ पर टेक्स्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक नेम टाइप करके एक अच्छा सा फॉन्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली इस लोगो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो लोगो को इंपोर्ट करने के बाद आपको कुछ छोटा करना है और मिडिल पे सही से ऐसे करके रख लेना है नीचे की तरफ। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको इस ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर इसे भी ओवरले पे क्लिक करना है। देन गाइस, आपको उसके बाद क्या करना है, इसे और थोड़ा से लोगों को छोटा करना है, नीचे पे लाना है। देन गाइस, आपको फिर से इस लेयर का ऑप्शन पर जाना है, इस मीडिया का ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको इस पार्टिकल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। तो आपको उसके बाद इस पार्टिकल को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो इसे इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके इसे फिट करना है और कुछ ऐसे आपको स्लाइड करना है। उसके बाद इस ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। सो गाइज, यहाँ पर आपका ये स्टेटस बनके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा से प्ले करके दिखा देता हूँ।
से दूरी बेहतर है, करती जीना ये मुश्किल। सो गाइज ऐसे करके सिंपली आप बना सकती है वाले स्टेटस। तो अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। और अगर इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम पर प्लीज़ फॉलो करें, मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लें। और अगर आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कहा हाउ टू डाउनलोड वीडियोज़ देख लो, वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन पर।